यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल है, एक जो हॉस्पिटल है जो भी हमको बता रहे हैं आपको, जब आपको बता रहे हैं अभी, वो जो हॉस्पिटल है जिसमें हम रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, यहाँ पेशेंट के साथ में रिश्तेदार भी रहते हैं, और यहाँ हर तरह की बीमारी का इलाज, मानसिक बीमारी का इलाज होता है, जिसमें फोबिया की बीमारी है, डर भयगण, फिर पैनिक अटैक्स, हार्ट अटैक का डर, हार्ट अटैक से मर जाएंगे मरने का डर, फिर चिंता की बीमारी है, एंग्जाइटी है, फिर निराशा है, डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन आ रहा है, सुसाइडल थॉट है, खुदकुशी के विचार आ रहे हैं, फिर ओसीडी है, मतलब बार बार के फालतू के विचार आना, बार बार के हाथ धोने के विचार आना, बार बार हाथ धोना, या भगवान के बारे में गंदे विचार आना, सेक्स के बारे में गंदे विचार आना, ज़्यादा साफ सफाई रखना वो है, फिर पेट के बीमारी में ज़्यादा ढकार आना, उल्टियाँ होना, या अनाज का पचन नहीं होना, लैट्रिन को ज़्यादा बार लगना या लैट्रिन को नहीं लगना, और एसिडिटी, जलन होना, छाती में जलन होना, पेट को फुगारा आना, ऐसे पेट के भी इलाज के, मतलब यहाँ सब उसकी जो बीमारियाँ उसके इलाज यहाँ होते रहते हैं। फिर गंभीर मानसिक समस्या है, स्किजोफ्रेनिया है, जहाँ एकदम पागलपन जैसा होता है, पेशेंट को बहुत ही पागल जैसा होता है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, या बहुत ज़्यादा मैनिया है। फिर बच्चों के प्रॉब्लम्स है, बच्चों का स्कूल में नहीं जाना, बच्चों में पेशाब बिस्तर में करना, या बच्चों का डिप्रेशन है, बच्चों ने माँ बाप का नहीं सुनना, मतलब वो भी इलाज यहाँ होते हैं। हिप्नोसिस के साथ में इलाज करते, मतलब हिप्नोथेरेपी यहाँ करते हैं, विथ हिप्नोटिज्म इलाज करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, वैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम करते हैं, जिसमें हम लोगों को टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर सलाह देते हैं, तो उसमें सभी बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। दूसरा जो हॉस्पिटल है, देखो अभी हम बता रहे हैं आपको, ये हॉस्पिटल, वहाँ हम बिना रिश्तेदार लोगों को भर्ती करते, पेशेंट लोगों को भर्ती करते, वहाँ रिश्तेदार नहीं रहते, पेशेंट अकेले रहते, अकेले रखकर उनका इलाज किया जाता है। यहाँ मेनली शराब व्यसन मुक्ति, शराब के जो लोग आदि है, या ड्रग्स के, अलग अलग ड्रग्स के वो आदि है, मतलब जैसा कैनाबीज है, मतलब गांजा है, भांग है, फिर ब्राउन शुगर है, तो उनका इलाज, उनका पुनर्वसन। फिर जो लोगों को घर में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत आक्रामक हो जाते हैं, फेंक फाक करते हैं, माठोक करते हैं, उनको घर में कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ऐसे लोगों को हम वहाँ रखते हैं। फिर मतलब जो क्रॉनिक पेशेंट है, कि जो जिनको घर में रखना बाकी लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, उनका इलाज करना, उनके साथ में कोई रह नहीं सकता, तो वो चले जाते हैं रिश्तेदार हमारे यहाँ रख के, फिर हम उनका इलाज करते, उनको बुला के उनको हम फिर से हवाली कर देते हैं, तो ऐसे भी पेशेंट हम रखते हैं। फिर डेमेंशिया के पेशेंट है, मतलब वृद्ध लोग जो है, प्रौढ़, जिनको मेमोरी का प्रॉब्लम है, याददाश्त का प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं, भुलक्कड़पना है, और ज़्यादा एज के, मतलब जरिए जैसा अल्जाइमर्स डिसीज, डिमेंशिया होता है, तो वो भी हम रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। लॉन्ग स्टे पेशेंट का यहाँ होता है, और उनका पुनर्वसन भी हम करते रहते हैं। तो ये हमारे नीचे नंबर दिए हुए, तो यहाँ हम तीन साइकेट्रिस्ट है, मैं, मेरा लड़का जो साइकेट्रिस्ट है, मेरी बहू साइकेट्रिस्ट है, हम काफ़ी, हमारे यहाँ 5-6 डॉक्टरों की टीम है, कि जो टीम्स और हमारे यहाँ पूरा स्टाफ, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, नर्सेस, ऐसा पूरा स्टाफ है, कि जो पूरा सब एक साथ मिल के हम लोगों का इलाज करते रहते हैं, और उनको इलाज करके उनको घर पर भेज देते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा मिशन है, तो उसमें आपका सहयोग होना जरूरी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ हमारे देश में इसका, ये फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।